हेलो, गुड म�ॉर्निंग दोस्तों। 22 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने है, वो है सहभाग पोर्ट को लेके है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सहभाग पोर्ट। पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे ये दिया गया कि यह एक डीप सी पोर्ट है जो कि सेचल्स में लोकेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यह जॉइंटली डेवलप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब देखो आप पहले स्टेटमेंट को देखिए और दोनों को देखिए एक बार अच्छे से। वैसे करंट अफेयर से अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, ये क्यों था वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि जो सहभाग जो पोर्ट है वो एक्चुअली इंडिया है, वो इंडोनेशिया के पास डेवलप कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार की आपको पता है काफ़ी नज़दीक पड़ता है इंडोनेशिया, और वहीं पे इंडोनेशिया का ये पोर्ट है जिसको इंडिया डेवलप है वो कर रहा है। और ये ध्यान रखना आप डीप सी पोर्ट है, तो ये वैसे तो ये पहले पार्ट जो स्टेटमेंट था इसका पहला पोर्शन सही है कि यह डीप सी पोर्ट है, बट यह सेचल्स में लोकेट नहीं है, यह लोकेटेड है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के पास, या हम बोल सकते हैं इंडोनेशिया में लोकेटेड है। मेनली अगर कंट्री की बात करें तो यहाँ पे इंडोनेशिया होना चाहिए था। तो यह ध्यान, इसका बेनिफिट ये होगा कि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेड को लेके हो, काफ़ी बेनिफिट इंडिया को इससे मिल सकता है। मतलब आसियान ग्रुप के साथ इंडिया के रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेड रिलेशन भी स्मूथ है वो हो जाएंगे। तो यह ध्यान रखना इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत ये पोर्ट है वो साइन किया है। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है ना विजित, जो कि आपको पता है मेनली अंडमान निकोबार में लोकेट होती है, वो अभी यहाँ पे पोर्ट पर पहुँची थी और उसने विजिट है वो किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स है, वो कुछ बार न्यूज़ में देखा जाता है, तो वो किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है सोशल मीडिया रेगुलेशन, दूसरा दिया गया है यहाँ पे जीन रेटिंग गाइडलाइन, तीसरा दिया गया है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार, और चौथा दिया गया नन ऑफ द अबव। देखो वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स है ना, मतलब नैतिकता एथिक्स, इससे कुछ बात यहाँ पे की गई है। तो यह बेसिकली पहले स्टेटमेंट या पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे जो मीडिया होगी या फिर हमारे सोशल मीडिया है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, हमारी सोशल लाइफ की बात करो या फिर हमारी ओवरऑल लाइफ में। और इसीलिए इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया में भी, लोकसभा के इलेक्शन, आपको पता है कि उनकी डेट भी डिक्लेयर हो गई है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसके कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह नहीं हो, तो एक तरीके से मतलब न्यूट्रल होकर ये काम करें, कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं अपनाएं जिससे किसी पार्टी को बेनिफिट मिले। इसके लिए जो यहाँ पे हम बात करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो, और इसी के साथ ही इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI है, उन दोनों ने मिलकर वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स है वो जारी किया, ताकि 2019 के इलेक्शन हो जनरल तरीके से हो सकें, उनमें कोई भी मतलब हेरा फेरी या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार हो सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी यानी NAA को लेकर। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इसको सेंट्रल GST एक्ट 2017 के तहत सेटअप किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका काम ये है कि जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में जो भी रेट का GST रेट का जैसे जो रिडक्शन होती है, रेट कम होती हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो आम जनता को मिल सके। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है वो केवल और केवल कंज्यूमर कंप्लेंट्स को ही एड्रेस है वो करेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली बेसिस ऑन कंज्यूमर कंप्लेंट्स, मतलब अगर कंज्यूमर कंप्लेंट करता है तभी वो एक्शन है वो लेगी। हमें यहाँ पे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो ओनली वाला स्टेटमेंट है तो आपको थोड़ा यहाँ पे फोकस है वो करना चाहिए, वैसे ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह केवल कंज्यूमर कंप्लेंट का तभी एक्शन नहीं लेगी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ये खुद से भी अपने आप एक्शन है वो लेती है। तो इसका ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, थर्ड है वो यहाँ पे रॉन्ग है। तो UPSC ऐसे ही पूछ सकते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाता बी, ओनली थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साउथ जल योजना को लेके। पहला स्टेटमेंट इसमें एक आ गया है कि यह कम्युनिटी ओन ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है जो कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है पाइप के द्वारा सोलर एनर्जी के थ्रू वो हर घर तक पहुंचाई जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इस स्कीम में 90% जो पैसा है प्रोजेक्ट का वो तो गवर्नमेंट खुद वहन करेगी और 10% जो प्रोजेक्ट का पैसा है वो कम्युनिटी है वो खुद देगी, ये इसमें कहा गया है। हमें पूछा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, या आपसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो पहला स्टेटमेंट ना ही दूसरा, क्योंकि इसने गलत पूछा है तो गलत तो पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखना कि 90% जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी, 10% पैसा वहाँ की कम्युनिटी जो समुदाय है उसको पे करना होगा प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में कि किसके द्वारा रिलीज है वो की गई है।
तो इसके बारे में थोड़ा आर्टिकल भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो ये जारी की गई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी यह जारी की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जो कि यूएन के अंतर्गत ही आता है। तो इसके बारे में कुछ हम और फैक्ट वो देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वो आपको बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जारी है, वो की जाती है और यूएन के द्वारा। यूएन की आपको पता है एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, उसके द्वारा बेसिकली इसको जारी है वो किया गया है। और वैसे जो आती मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, ये आता है जनरल असेंबली के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हैप्पीनेस रिपोर्ट मतलब कौन सी कंट्री है, कितनी खुश है वहाँ पे, कितनी शांति है वगैरह, इसको लेके जारी है वो कहता है कि खुशियाँ कैसी हैं वहाँ पे। तो इस मामले में फिनलैंड है वो टॉप नंबर पे रहा है। इंडिया की रैंकिंग है वो 140वें नंबर पे रही है। इंडिया की रैंकिंग है वो लास्ट टाइम से 7 स्टेप है वो कम रही है, मतलब इंडिया में हैप्पीनेस है या खुशी है वो कम होती जा रही है। इसके साथ ही हम बात करें सबसे लोअर रैंक जो मिली है वो मिली है साउथ सूडान कंट्री को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। तो ये कुछ छोटे छोटे 2-4 फैक्ट्स थे जिनको हमने यहाँ पे कवर किया। इंपॉर्टेंट यही है कि यूएन के द्वारा जारी है वो की जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अबेल प्राइज, जो कि मैथ्स का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कंटेक्स्ट तो वैसे ये था कि यूएस की पहली एक महिला है जिसको अभी मतलब मैथ्स नोबेल है वो मिला है, अबेल प्राइज। अबेल जो प्राइस है वो मैथ्स के मामले में दिया जाता है और इसे मैथ्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। देखो ये उस पर्सन को या उन आप बोल सकते हो कि मेल या फीमेल किसी को भी दिया जा सकता है जिन्होंने मैथ्स के एरिया में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है वो प्राप्त किया हो, या फिर उनका काफ़ी अहम रोल रहा हो, उन्होंने काफ़ी अच्छी जो कोई डिस्कवरी वगैरह की हो उनके बेसिस पे। इस प्राइस में उनको चेक है, पैसा है वो दिया जाता है, ये दिया जाता है 7,03,000 डॉलर। तो ये आपको थोड़ा सा फिट पता होना चाहिए। इसके साथ ही अहम बात ये आती है कि भाई स्टेबलाइज कब किया गया था। देखो जो नॉर्वे कंट्री के तो आपने सुना होगा यूरोप में है, तो नॉर्वे कंट्री के जो उस टाइम पे जो राजा थे उनकी बर्थ एनओसी थी 200वीं, उसके बाद स्टार्ट है वो किया गया था। उनका नाम था नाइल सेरनेक अबेल, तो उनकी 200वीं जो बर्थ एनओसी थी 2002 में, इसके बाद नॉर्वेन गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट है वो किया था। तो पता होना चाहिए कि अबेल प्राइस है वो मैथ्स का नोबेल प्राइज भी कहलाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम है वो चेंज कर दिया गया है। देखो कजाकिस्तान है वो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये आपको पता है लैंडलॉक्ड है वो है पूरी तरीके से। इसके पास में यहाँ पे कैस्पियन सी का खैर बॉर्डर वैसे टच करता है, पर कैस्पियन सी भी आपको पता है चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। वैसे तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है पहले उसका नाम था वो था अस्ताना, बट अभी इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है नूर सुल्तान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो वहाँ के जो लीडर थे काफ़ी अहम जिनका नाम था यहाँ पे नूर सुल्तान नजरबाई, वो एक्चुअली 30 साल उन्होंने वहाँ पे अपना काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वहाँ की राजनीति में, वहाँ पे वो सक्रिय लीडर हैं वो रहे थे और ये ओल्ड रिच कंट्री है कजाकिस्तान, ये आपको बताना चाहिए। तो उन्हीं को मतलब एक तरीके से याद करने, उन्हीं को एक तरीके से अवार्ड देने के लिए, सम्मान करने के लिए कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम उनके नाम पर नूर सुल्तान है वो रख दिया गया है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। देखो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ना, ये वैसे तो बनाया गया था 1919 में, बट 1919 में जब इसको बनाया गया ना तो उस टाइम पे इसका नाम था इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन था, ना कि ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रैफिक एसोसिएशन के नाम से इसको बनाया गया था, बट 1945 में इसका नाम है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कर दिया गया। और ये एक्चुअली वर्ल्ड की जो एयरलाइंस है ना उनका एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, जो वर्ल्ड की लगभग 280 एयरलाइंस कंपनी है और लगभग 83% जो ट्रैफिक है एयर ट्रैफिक है इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट है वो करता है। काम क्या है इसका, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन का काम ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन सिंकेज है वो अच्छे से हो सके। इसके साथ ही स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्री के वगैरह के, जो भी गाइडलाइंस वगैरह जारी की जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इनके द्वारा की जाती हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कहाँ पे है ये है कनाडा में। अभी कंटेक्स्ट ये था कि इंडिया की जो पहली लो बजट कैरियर है जिसका नाम है स्पाइसजेट, उसने अभी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन है वो की है। तो ये फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया की कौन सी कंपनी ने इसे ज्वाइन है वो की है, तो स्पाइसजेट ने इसे ज्वाइन है वो की है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ है वो मिली नहीं थी क्योंकि कल होली के चक्कर में छुट्टी थी। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।